मीटर्स अगर हम माने तो उसके जो पक्ष हैं कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ जो है वहाँ हार्मनी की जरूरत है ताकि हम हेल्दी रह सकें, तो अगर हम अपना एक पक्ष देखें कि हेल्पिंग अदर्स, ये एक हमारे हमारे जीवन का एक पार्ट है, तो हम उसमें हार्मनी लाएं, यानी कि अपने आप को चेक करें क्या जीवन हमारा इसी तरह से चलता जा रहा है कि हम सिर्फ अपने आप से अपनी ज़रूरतों से ही उभर नहीं पा रहे, और कभी हम दूसरों की कभी किसी भी प्रकार से, हेल्पिंग अदर्स का मतलब ये नहीं है कोई हमसे कहे कि जी हमारे पास तो खुद ही खाने को नहीं है, हम दूसरे की कैसे मदद करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियली मदद करनी है। आप जो है अच्छे मीठे बोल से, स्माइल से, यू शुड help others, this is one aspect of your life के जहां पर आप अपनी जो है हार्मनी अपने जीवन में ला सकते हैं। हमारे जीवन में हार्मनी कब आएगी, जैसा कि मैंने कहा कि हम सब एनर्जी हैं, जब हम अपनी वाइब्रेशंस को राइज करेंगे, उसको हाई करेंगे। जब लो वाइब्रेशन होती है तो हमारे सारे काम जो है, हमारे काम में मन नहीं लगता, हमारे रिलेशंस में भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब हम अंदर से संतुलित नहीं हैं, हमारे भीतर की एनर्जी हार्मोनाइज नहीं है, तो हमारा व्यवहार लोगों के साथ भी अच्छा नहीं होता, और हमारा हमारे जीवन के प्रति जो हमारा ध्येय है, जो गोल है, हमें जैसे हमारा एक्सप्रेशन है या हमारा क्रिएटिविटी है, जो हमारा कंपैशन है या हमारा कॉन्फिडेंस है या हमारा दूसरों को प्यार करने की क्षमता है, उनकी केयर करने की पैशनेट जो है, ये सारी जब हमारी लो वाइब्रेशंस होती हैं तो हमारी ये जो सारी के सारी क्वालिटीज भी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो जाती है। तो यानी कि हमारे जितने भी पहलू हैं हमारे जीवन के, उन सभी में हमें कैसे हमें करना है ताकि हमारी वाइब्रेशंस हाई हो, चाहे वो हमारा वर्क एरिया हो जहां हम काम करते हैं, हमारे लोग उस आसपास जुड़े होते हैं, या जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कितना, हमारा जिसे कहते हैं पूरी पूरी अटेंशन, पूरा फोकस, ये कहते हैं ना कि जहां पर आप हैं वहां पूरे 100% रहें। अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% उस काम में रहें, एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो 100% एंजॉयमेंट, दोनों को मिक्स नहीं करें कि काम के समय पे आप एंजॉयमेंट या दूसरी बातों को सोच रहे हैं। तो दिस इज द वे टू ब्रिंग हार्मनी इन योर वर्क एरिया, फिजिकल वेलबींग आपकी अच्छी होगी और आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आपकी वाइब्रेशंस। अब कुछ ऐसे उपाय हैं, ये सारे उपाय हमारे जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमारे, अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी धीरे धीरे वाइब्रेशंस क्या होंगी, हमारी जो है वाइब्रेशंस हाई होंगी। क्योंकि याद रखिए कि देयर इज नो ग्रेटर एंड नो लिविंग रेजोनेटर ऑफ साउंड देन ह्यूमन बॉडी। हमारी हमारा जो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमारी बॉडी रिजाउंड करती है, और इसीलिए हमारी वाइब्रेशंस पे फर्क पड़ता है। तो कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें अगर हमारी वाइब्रेशंस लो हो रही हैं, तो सबसे पहले हमारे को जो उपाय है, चलिए कुछ उपाय की बात करती हूँ, कि टू सिंग, यानी कि जब हम गाते हैं तो नेचुरली हमारे भीतर की जो वाइब्रेशंस है, जो लो हैं, वो हाई होने लगती हैं। कभी आपने देखा है कि आप यदि गा रहे हैं तो आप गुस्से में और आप उदास रह ही नहीं सकते गाने के दौरान, कभी इमेजिन करके देखिए, जब आप गा रहे हैं तो उस समय ना तो आपको दुख की फीलिंग होगी, ना आपको स्ट्रेस की फीलिंग होगी, और ना गुस्से की। तो अगर आप यदि लो फील कर रहे हैं तो उस समय मैं कहूंगी कि आप जो है गुनगुनाएं, गाएं। अब वो चाहे मंत्र हो, चाहे वो अपने मनपसंद गाने हो, या अगर आप उसके साथ साथ, तो आपकी वाइब्रेशंस, आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उसके जाने से पहले यदि आप उनको गाने के लिए अगर कर सके कि उस समय गाते गुनगुनाते, तो देखिए उनका दिन जो है किस तरह से कितना बढ़िया जाएगा। इसके बाद जो है दूसरी बात जो मैं अपने दूसरा पॉइंट जो है
अपनी वाइब्रेशंस को। देखिए आज का जो है मेन फोकस जो लेक्चर का है कि हमारी बॉडी में हार्मोनाइजेशन, हमारी सिंक्रोनाइजेशन और संतुलन, हमारे शरीर की वाइब्रेशंस को संतुलित कर कर और हमारे जीवन में किस तरह से हार्मनी लाई जा सकती है, और हार्मनी होगी तो हेल्थ तो स्वाभाविक है और स्वतः है और ऑटोमेटिकली हेल्थ अचीव आप कर ही लेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है कि आप कैसे अपनी वाइब्रेशंस रेस करेंगे, उसका उपाय है आप जो है मूव योर बॉडी, यानी कि जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है भीतर वो स्टैग्नेट नहीं होती, वो बल्कि एनर्जी जो इनसाइड एनर्जी जिसे ची बोलते हैं वो जो है मूव करती है और स्टैग्नेशन दूर होती है आपकी एनर्जी की। तो आपकी जो एनर्जी के ब्लॉक्स हैं आपके शरीर के अंदर, जब मूवमेंट करते हैं तो वो ब्लॉक्स भी आपके दूर होते हैं और एनर्जी का प्रवाह जो है ज्यादा संतुलित, ज्यादा हार्मोनियस, और एज अ रिजल्ट जब एनर्जी आपकी, वाइब्रेशन आपकी हाई हो गई तो हेल्थ आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। ट्राई करिए, चाहे आपको डांस करने का शौक है, चाहे आपको वॉक करने का शौक है, और किसी भी तरीके से आपके शरीर को आपको मूवमेंट देनी है तो आपकी वाइब्रेशन जो है हाई होगी। और इसके साथ जो तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, आज पूरे 10 पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे आपके जीवन में हार्मोनाइजेशन हो और कैसे उस हार्मनी का आपके हेल्थ पर बेनिफिट पड़ेगा। लाफ्टर, जैसे कि उस दिन हमने सेशन भी किया था कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप कभी भी व्यक्ति को, कोई अगर हंस रहा है तो वो डिप्रेस हो ही नहीं सकता। हंसते समय जो है आपका जो है पूरा अंग प्रत्यंग जो है, ना कोई आपके भीतर गर्म गुस्से की भावना रहती है, जब आप हंसते हैं तो आपका जो है पूरा एनर्जी लेवल जो है, पूरी वाइब्रेशंस जो है फेस आपकी पूरे शरीर की, एनर्जी का लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, एनर्जी जो है और बेहतर तरीके से प्रवाहित होती है। और इस तरह से आपके, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कैसे हमारे एंडोक्राइनल नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम्स पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमारे पैरामीटर्स, चाहे वो शुगर है चाहे बीपी है, सारे नॉर्मलाइज कैसे होते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस जो है हाई होने लगती हैं और हमारे शरीर में शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन सब स्थापित होने लगता है। बस एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को हमें लो नहीं होने देना है, उनको जो है वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे तो हार्मोनाइजेशन हमारे भीतर होगी, और हार्मोनाइजेशन होगी, संतुलन होगा तो स्वास्थ्य हमारे लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा उपाय, मेडिटेट। आप लोग सभी लोग साधक हैं और मेडिटेशन के गुण का तो मैं जितना बखान करूं आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग अनुभवी हैं क्योंकि आप लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप हमारे जीवन में हमारी वाइब्रेशंस का, हमारे संतुलन स्थापित करने का, हमारे सांसों का, ब्रीदिंग का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का कितना बड़ा हाथ है, ये तो आप लोग, आप फर्स्ट हैंड नॉलेज है आपको, आप इस पॉइंट को तो मुझे ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारी जो एनर्जी, अगला जो पॉइंट है कि हमारी जो एनर्जी बॉडी है, देखिए हमारे योग में जो है ये कहा गया है कि हमारा शरीर केवल हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा और ये जो है वसा, ये सभी नहीं है। योग में हमारे शरीर को पंचकोश कहा गया है और इसको हमारे शरीर के जो है और अन्य लेयर्स भी हैं, जैसे हमारे शरीर को यौगिक भाषा में पंच कोश का उसको संज्ञा दी है, क्योंकि उसकी पांच लेयर्स हैं, पांच आवरण हैं हमारे शरीर के। जैसे पहले हमारा है अन्नमय कोश कहते हैं हम इस शरीर को, और उसके बाद है हमारा अगली लेयर प्राणमय कोश, उसके बाद जो है हमारा क्या कहते हैं अन्नमय प्राणमय, देन मनोमय,
मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। तो यानी कि ये सारे कोश जो हैं हमारी बॉडी के बाद वाइब्रेशंस, एनर्जी, और आपको पता है कि हमारा जो अन्नमय कोश के बाद जो हमारा प्राणमय कोश है, इसकी तो जो है हमारे ऑरा की फोटोग्राफी से हम लोग ये देख भी सकते हैं कि कैसे हमारा जो है ऑरा कितना बड़ा फैला हुआ है। ऐसी टेक्निक आ गई है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्राणमय कोश है उसका ऑरा हमारा कहाँ तक है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये सारे के सारे कोश मिलकर हमारे जो है बॉडी को हार्मनी और एनर्जी देते हैं। तो हमारे सभी कोशों की, सभी चैनल्स ऑफ एनर्जी की सफाई, एनर्जी बॉडी हमारे जो शरीर के अंदर है वो हमारे जो है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे व्यवहार से उसको एनर्जी मिलती है। और कई ऐसे हमारे जो हमारी जो एनर्जी है, देखिए हमारे शरीर में ऊर्जा के चक्र जिसे हम कह लें, या किसी भी तरह से ईश्वरीय या डिविनिटी के द्वारा हमारे भीतर सबके अंदर एक एनर्जी का कुंड है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारा भोजन, वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे वो निकलती रहती है और कम होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे हमारी वाइब्रेशंस, जैसे कि मैंने बताया, वो वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, जैसे अभी हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए। और कुछ ऐसी कार्य होते हैं जिससे हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस लो होती जाती है, यानी कि हमारी जो ऊर्जा का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसीलिए हमें अपने एनर्जी के जो भीतर चक्र हैं उनकी सफाई करते रहना चाहिए, ताकि हमारी एनर्जी ब्लॉक ना हो, हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो, यानी कि हमारे भीतर जो वाइब्रेशंस हैं उनका स्तर हाई रहे, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, अब हमारे को अगर हमारे ऊर्जा के चक्रों को जो है अगर हमें एनर्जी रिस्टोर करनी है और उसकी डिप्लीशन और डिसिपेशन को अवॉइड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डीप ब्रेथ लेनी चाहिए। जितनी हम जो है डीप ब्रेथ लेंगे उतना जो है हमको ये ऐसा अपने अंदर भावना लानी है कि जैसे जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ, मैं अपने भीतर जो है लव, कंपैशन और पॉजिटिविटी इनहेल कर रही हूँ और नेगेटिविटी एक्सहेल कर रही हूँ। और या फिर अगली, और जो जिस तरीके से आप अपने शरीर की जो ऊर्जा के चक्रों को, एक तो इस तरह से अपने ऑटो सजेशन से कि आपके भीतर पॉजिटिविटी जा रही है और धीरे धीरे नेगेटिविटी निकल रही है, तो इस तरह से आपके एनर्जी के चक्रों की क्लेंजिंग होती है। या फिर आप अपने आप को हॉट टब में सोक करें, यानी कि टब में अपनी बॉडी को पूरा सोक करके हॉट टब बाथ जिसे कहते हैं, और या फिर आप हॉट शावर, उससे जो सारी नेगेटिविटी है वो बॉडी की वो निकल जाती है। और एक इमेजिन, इस टाइम पर जब आप हॉट शावर ले रहे हो तब भी आप इमेजिन ऐसा करें कि एक वाइट लाइट आपके भीतर जा रही है और आपके भीतर से सारी नेगेटिविटी जो है उस पानी के जरिए, आपका सारा नेगेटिविटी, सारी आपका जो जीवन का जो नेगेटिविटी है वो सारी नहाते समय आपकी ड्रेन आउट हो रही है और आपके भीतर एक वाइट लाइट है जो आपके सारे के सारे चक्रों को, जहां पे ब्लॉकेज है उस एनर्जी को रिलीज कर रही है। और इसके बाद अगर हम अगला, जैसे कि इस तरह से हमारे जितने एनर्जी चक्र हैं, आप योग के जो है साधक हैं, आप भली भांति जानते हैं कि जो हमारे जो मेन मुख्य एनर्जी के केंद्र हैं उनका बैलेंसिंग जो है आपका इस तरह से मेडिटेशन, प्राणायाम द्वारा होता है। और जब वो बैलेंस हो जाता है एनर्जी का सोर्स, तो हमारे शरीर में वाइब्रेशन की क्वालिटी हाई होती है और हमारे जीवन की क्वालिटी हाई होती है, हमारे काम करने के तरीके में, वो हर चीज जो हम करते हैं, आपने आसपास देखा होगा जिन व्यक्तियों का बैलेंस और या वाइब्रेशंस एनर्जी की हाई होती हैं, आप उनके संदर्भ में उनके पास थोड़ी देर बैठिए तो आपको भी वो प्रफुल्लता
वो एनर्जी की वाइब्रेशन आपकी भी रेज हो जाएगी। और इसी के विपरीत यदि आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ थोड़े समय बैठे, वो नेगेटिव बात करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, हमेशा कंप्लेन करेंगे, तो इस तरह की बातों द्वारा आपकी भी वाइब्रेशंस धीरे धीरे लो होती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से जो हम मैंने अभी मेडिटेशन और अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए बात करी, उसमें जो मैंने बात जो बाथ लेने की बात करी है, वो हॉट शावर या अपने अगर आपके पास टब है तो आप अपने आप को सोक करिए उस टब में और लेटे रहिए थोड़ी देर, और या फिर हॉट शावर में, तो दोनों समय पे आपको ये इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट द्वारा आपकी पूरे शरीर की जो नेगेटिविटी और गंदगी है वो सारी की सारी, आपकी जो आपकी इवन एंग्री जो एंगर है, जो दुख है, जो स्ट्रेस है, और जितनी भी इमोशनल टर्मोइल्स हैं, वो सारे आपके पानी के द्वारा बाहर जा रहे हैं, आपके शरीर में भीतर भीतर एक वाइट लाइट आती जा रही है, और आपके शरीर से पानी जैसे जैसे बाहर जा रहा है वैसे वैसे आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस, सारी जो एंगर है, सारा जो टर्मोइल है, सारा जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी आपके शरीर से बाहर जा रही है। तो ये एक तरीका भी है अपने आप को, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का। इसके बाद हम जो है छठे पॉइंट पर आते हैं कि हमें अपना जो है ग्रैटिट्यूड, जो जिसे शुक्राना कहते हैं या ईश्वर को धन्यवाद कहना कहते हैं, सारा दिन में हम कितनी बार ये सोचते हैं कि भाई हमें ईश्वर, हम कितने लकी हैं जो हमें भगवान ने जितनी भी नियामतों से हमें नवाजा है। हम लोग हमेशा अक्सर ज्यादातर अटेंशन अपनी जो कमियां हैं जीवन में उसकी ओर ध्यान हमेशा रखते हैं। तो अगर आपको जीवन में ज्यादा एबंडेंस चाहिए, ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए, ज्यादा ग्रोथ चाहिए और हार्मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, अपनी अटेंशन को फोकस करना होगा उन चीजों पर जो जीवन में आपको मिली हैं। जैसे कि हमें, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा पूरा शरीर जो है मेरे लिए कितना मिराकुलस और कितना वरदानमय है, ये कितना दिव्य, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, मैं तो कुछ सोचता भी नहीं, और मैं, मेरा हृदय स्वयं धड़क रहा है, स्वयं ब्लड सप्लाई हो रही है, एक एक कोशा को एनर्जी मिल रही है, मेरे जीवन के लिए मेरे एनर्जी सारा सप्लाई हो रहा है, सांसें हो रही हैं, अपने आप मल निष्कासित हो रहा है, तो इतनी दिव्य ईश्वरीय जो शरीर है उसका धन्यवाद कीजिए। आपके इर्द गिर्द जो आपके जीवन में सुखद और मधुर संबंध हैं उनका धन्यवाद कीजिए। यहाँ मैं एक जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, सुख नहीं, लेकिन अगर आप झांकने बैठेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसकी कि शायद लोग सपना ले रहे हों। आज सोसाइटी में कितना दुख और दर्द है, इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक्स है वो सारी अस्त व्यस्त है, कईयों के पास स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, दो वक्त की खाने के लिए भी मोहताज हैं, तो कितनी डे टू डे लाइफ उनकी कितनी स्ट्रगल है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बहुत सारी चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कि आपको डेली बैठकर आपको उनका जो है ईश्वर का धन्यवाद करना है, और फिर देखेंगे आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की होगी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें वो मैनिफेस्ट होगी। और आप एक उपाय, सातवां उपाय ये भी कर सकते हैं कि राइट अ जर्नल, कि आप अपनी थॉट्स, अपनी जो एक्सप्रेशन, जो फीलिंग्स आती हैं
वो आपको अगर आप जॉट डाउन करते हैं, अक्सर जब बहुत टर्मोइल है आपके जीवन में या आपको लगता है कि, तो एक लिखने की आदत डालिए, जब आप लिखेंगे तो आपको एक आउटलेट मिलेगा आपकी एनर्जी को, जो बहुत पेंट अप हो रहे हैं इमोशन, तो इमोशनल आउटलेट मिलेगा। और फिर जब कुछ दिन बाद वो जर्नल देखेंगे तो वो बात आपको बहुत ट्रिवियल लगेगी, चाहे आपको किसी पे नाराजगी हो रही है या गुस्सा आ रहा है या आपके अंदर बहुत रोष आ रहा है कि मेरे को इस व्यक्ति के, आप लिखेंगे कुछ दिन बाद चेक करेंगे, कहेंगे कि अरे कितना बचकानी बात थी। तो धीरे धीरे इन उपायों द्वारा जो जर्नल लिखने की है अपने थॉट्स की, तो उससे आपकी वाइब्रेशंस रेज होंगी और जो फीलिंग इनसाइड द बॉडी है और दे कैन कम आउट, इमोशनल जो वेंट मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी वाइब्रेशंस पे फर्क पड़ता है। वाइब्रेशंस हाई होती हैं और हमारा जो माइंड जो रैंडम फैशन में, जिसे कहते हैं कि ऊर्जा का व्यय बहुत करते हैं हम, अननेसेसरी चीज़ों पर सोचते हैं और ऊर्जा हमारी नष्ट होती जाती है। और वही अगर हम ऊर्जा को, वाइब्रेशंस को अगर हम एकाग्रचित करने की, तो वही वो देखिए ना, लाइट कैसे लेज़र का काम करती है, वही लाइट अगर बिखरी रहती है तो उससे कोई, लेकिन वही उसको जब एक जगह लेजर कर देते हैं, यानी कि एक जगह उसका फोकस कर देते हैं, वही कितने बड़े बड़े काम लेजर करती है। वही बात मैं यहां समझाने की कर रही हूं कि हमारी ऊर्जा तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, हमारे पास अनंत ऊर्जा है, लेकिन हम इस ऊर्जा का महत्व ना समझते हुए अपने इग्नोरेंस के चलते हम जो है इस ऊर्जा को निरंतर व्यर्थ गवाते रहते हैं। यदि इसको हम जो है समझें, वाइब्रेशंस को रेज करें, तो एक एक कार्य हमारा जो है दिव्य हो जाए। और इसीलिए जो लोग जीवन में अनूठे कार्य करते हैं, उनका मुझे लगता है यही कारण है कि उनकी सारी एनर्जी जो है फोकस्ड और चैनलाइज्ड और वाइब्रेशंस रेज कर लेते हैं, वो इतनी कर लेते हैं कि उनका जो है ट्यूनिंग हो जाता है। जैसे रेडियो स्टेशन को हम ट्यून करते हैं ना, पहले करते थे विविध भारती पे लगाना है, ऑल इंडिया पे उसको घुमाते थे नॉब को, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती थी। तो जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, अपनी वाइब्रेशंस को इन उपायों द्वारा बनाएंगे, तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपके थ्रू आप वो माध्यम बन जाएंगे कि आपके भीतर से दिव्यता वो क्या क्या दिव्य कार्य कराएगी। इसीलिए जो लोग महान बनते हैं, मुझे लगता है कि उनकी वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ट्यूनिंग हो जाती है, वो अपने आप का अपना स्तर ऊर्जा का और वाइब्रेशंस का इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर उनके थ्रू वो जो दिव्यता है वो जो है वो मैनिफेस्ट होती है उनके महान कार्यों के द्वारा। तो अगला पॉइंट, असिस्ट अदर्स, ये जो है परोपकाराय इदम शरीरम, इस बात पे विश्वास करिए कि जो हमसे छोटे हैं, जो वीक हैं, जैसे आज की मैंने बताया, आज की डेट में लोगों के पास खाने, तो अपनी तरफ से अब ये त्योहार का समय आ रहा है, त्योहार में हम त्योहार मनाएं और कोई व्यक्ति दुखी हो तो ये कैसा त्योहार होगा। समाज के ये पूरे इकोनॉमिक ढांचे के प्रति हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ नहीं करें ऐसा भी नहीं है। तो अपना पार्ट टूवर्ड्स सोसाइटी, किसी भूखे को भोजन खिलाना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा त्यौहार मनाना और कुछ नहीं हो सकता। त्यौहार में बजाय अननेसेसरी शॉपिंग्स करने के, हमें शायद दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है बेसिक नेसेसिटीज़ की, उनकी अगर हम मदद करेंगे तो हमारी वाइब्रेशंस अपने आप स्वयं ऊपर होंगी। हमें जो है फॉरगिवनेस का, क्षमा का जो है ये एक रूल अपनाना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल वाला उपाय, कि मदद की या किसी ने कुछ अगर आपके साथ बुरा भी किया तो भी फॉरगिवनेस, के आपको ये नहीं सोचना कि काश वो ऐसा होता, उसको ऐसे करना चाहिए था, नहीं, जो हो गया, जो बिसर गई सो बात गई, उस पर ज्यादा मनन नहीं करना, क्योंकि वो ही एकदम ठिठकी है वहीं पर। और सोचिए कि ये ऊर्जा का व्यय कर रहा हूं मैं, मुझे ये छोटी छोटी पैटी बातों में अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करना, मुझे उस डिविनिटी के साथ अपना वाइब्रेशन इतना रेज करना है कि मेरी ट्यूनिंग उस दिव्यता से हो जाए और फिर मेरे अंदर वो मैनिफेस्ट, मैं जो काम
करूंगा, जिससे बात करूंगा, तो मेरी वो दिव्यता वो उसमें मैनिफेस्ट होगी और उसका असर आपके इर्द गिर्द चारों तरफ होगा। आपको अपना कंपैशन, लव टुवर्ड्स मैनकाइंड, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें जो है अपना जो वी नीड टू कीप आवर कप फुल, और वो ओवरफ्लो करता रहना चाहिए लव का, कंपैशन का, केयर का। सो विद दीज वर्ड्स आई एंड माय सेशन। और अब त्योहारों का मौसम है और त्योहार सब जनजीवन सबके भीतर आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी ही भावना मन में रखनी है और ऐसा ही अगर हम एक एक व्यक्ति प्रयास करेंगे तो कुछ तो दुख दुनिया का हम कम कर ही देंगे। मेरा ख्याल कुछ परसेंट तो कमी आएगी दुख में और निराशा में, कहीं तो आशा की किरण हम जगा ही सकते हैं। तो इसके साथ धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इतने धैर्य से मेरी बात सुनते हैं और मुझे एनकरेज करते हैं सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं सब बातों के साथ आगे प्रश्न है जी। हेलो मैम जी, चंदा जी बताइए प्रश्न आप।